राजसमंद जिले के दौड़ा स्थित डोलिया माता मंदिर पर चोरी की बड़ी वारदात हुई है। 3 माह में तीसरी बड़ी चोरी हुई है। पुलिस नहीं कर पाई अब तक कोई खुलासा। जिले के आमेर क्षेत्र के दौड़ा पंचायत दौड़ा गांव के पास डोलिया माता जी मंदिर पर बेखौफ चोरों ने धावा बोलते हुए 3 किलो चांदी के आभूषण, तलवारें एवं ताम्रपत्र की चोरी। दौड़ा स्थित डोलिया माता जी मंदिर के पुजारी मांगीलाल सेन ने पुलिस थाने अधिकारी आमेट को रिपोर्ट देते हुए बताया कि सेन समाज की आराध्य देवी डोलिया माता जी मंदिर परिसर के पास सराय की खिड़की को दौड़ते हुए चोरों ने लगभग 3 किलो चांदी के आभूषण, 14 तलवारें, 5 किलो का ताम्रपत्र और खाद्य सामग्री की चोरी कर ले गई। 3 माह से पुलिस थाना क्षेत्र में तीसरी बड़ी घटना। इससे पूर्व 11 जनवरी को नगर के पोबाग स्थित मकान पर 17 लाख की नकदी एवं जेवरात चोरी हुए हैं। इसके साथ ही कई चोरियों का पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। चोरियों को लेकर निरंतर नगर और ग्रामीण अंचलों में चोरों का भय बना हुआ है। वहीं ग्रामीण मदनलाल शर्मा, मांगीलाल गुज्जर, लखनलाल गुज्जर, पारसमल गुज्जर, लहरी लाल शर्मा ने चोरों को अतिशीघ्र पकड़ जाने की प्रशासन से मांग की। इनका कहना है कि दौड़ा मंदिर के उधारी सहित कुछ ग्रामीण पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई चोरी की, जिसमें हमने रिपोर्ट दर्ज तुरंत मौका मुआयना कर तफ्तीश जारी कर दी, जिस पर सराय खुली व एकांत सुनसान जगह में होने से सराय की खिड़की जो कि बिल्कुल हल्की बड़ी हुई है, जिसको चोरों द्वारा आसानी से लोहे के सरियों को मोड़ते हुए चोर अंदर घुस गए थे और इसके साथ ही पूजा सामग्री व वस्त्र गहने ले गए हैं। क्षेत्र में हो रही चोरियों का खुलासा करने के लिए पुरजोर प्रयास है कि पूर्व में हुई चोरियों को अतिशीघ्र खोलने के साथ ही चोरी की वारदात करने वाले चोरों को भी अतिशीघ्र पकड़ने का प्रयास कर रही है।